इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू दिस पेज, तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्राई लॉगिन इन इनटू अकाउंट दैट हैज़ परमिशन इस तरीके से ही मांगता है। तो लाइक यहाँ पर क्या इशू होता है, देखिए इशू कुछ भी नहीं होता है, बस ये जो है कभी कभी ऐसा एरर दिखा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कई एरर हो सकते हैं, मैं ये करके आपको बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपका अकाउंट किसी और ने लॉगिन कर लिया हो, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर आपको दिखा सकता है। तो अगर ऐसे दिखाए बैक टू अनदर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक करके इसे चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिना वजह के दिखा रहा हो, तो सिचुएशन में क्या करिए आप प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर YT स्टूडियो को सर्च कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जब भी आएगा इसमें अपडेट दिखाई देगा तो अपडेट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर आपको होल्ड प्रेस करना है। जब आप इस पर जाएंगे होल्ड प्रेस करिए, ऐप इन्फो पर जाइए इसकी, और यहाँ पर हिस्ट्री डेटा यूसेज कर लीजिए। एंड देखिए ज़्यादा डेटा अगर इसमें हो जाता है जिस तरीके से मेरा हो रहा है 1.16 GB, तो आप इसको कम कर लीजिएगा डेटा क्लियर करके। ठीक है, दोबारा इसमें लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि इसमें दिखा रहा है टोटल डेटा वगैरह, साइज वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर अपने फ़ोन को एक दफ़ा बंद करके खोलिएगा, इंटरनेट वगैरह को सबको चालू रखिएगा, तो फिर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं दिखाएगी। तो इतना सब प्रोसेस रहता है बस इसका ये। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।